दोस्तों इस वीक की टीआरपी रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है और आइए जानते हैं कि किस शो ने रेटिंग चार्ट में अपनी जगह बरकरार रखी है और कौन सा शो टीआरपी रेटिंग में नीचे आया है। जहां नागिन 8 नंबर से फिसल कर नंबर 9 पे आ गया है और इसकी रेटिंग का गिरना इनके फैंस के लिए काफी निराशाजनक हो सकता है, वहीं हफ्ते में सिर्फ रविवार को टेलीकास्ट होने वाला शो स्मार्ट जोड़ी ने जबरदस्त छलांग मारकर नंबर 6 की पोजीशन पर अपनी पकड़ बनाई है। यह शो स्टार प्लस पे आता है और इन खूबसूरत जोड़ियों के साथ साथ मनीष पॉल की एंकरिंग ने इस शो में 4 चांद लगा दिए हैं। अब देखना यह है कि यह शो अगले हफ्ते टॉप 5 में अपनी पोजीशन बना पाता है या नहीं। नंबर 5 पर इस बार भी कुमकुम भाग्य ने 2.3 रेटिंग के साथ अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है। इसकी रेटिंग में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। लास्ट वीक भी इसकी रेटिंग 2.3 थी। काफी लंबे समय से चलने वाला एकता कपूर का यह शो भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। नंबर 4 की पोजीशन को बनाए रखा है ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 2.6 रेटिंग के साथ। हालांकि मोहसिन खान और शिवांगी जोशी की यह शो छोड़ने के बावजूद भी इसकी रेटिंग में कोई गिरावट नहीं आई है। पिछले हफ्ते भी इसकी रेटिंग 2.6 ही थी। नंबर 4 की ही पोजीशन को शेयर किया है इस बार एक पायदान फिसल कर 2.6 रेटिंग के साथ इमली ने। पिछले हफ्ते के मुकाबले इसकी रेटिंग में काफी गिरावट आई है। लास्ट वीक इसकी रेटिंग 2.8 थी। यह शो भी स्टार प्लस पे आता है। बात करें नंबर 3 की तो स्टार प्लस के ही शो ये है चाहते ने एक पायदान ऊपर चढ़कर 2.8 रेटिंग के साथ इस बार नंबर 3 पे अपनी पकड़ बनाई है। लास्ट वीक इसकी रेटिंग 2.6 थी। दोस्तों गुम है किसी के प्यार में नंबर 2 पे इस बार 2.9 रेटिंग के साथ अपनी जगह पर बना हुआ है। हालांकि इसकी रेटिंग में काफी गिरावट आई है। लास्ट वीक इसकी रेटिंग 3.1 थी। रेटिंग चार्ट पर स्टार प्लस के शो का दबदबा बरकरार है और इसी में टॉप पोजीशन पर एक बार फिर से अनुपमा ने बाजी मार ली है। हर हफ्ते की तरह इस बार भी वह नंबर 1 की पोजीशन पर बना हुआ है और उसे वहां से हिलाना किसी भी शो के लिए लगभग नामुमकिन सा हो गया है। अनुपमा का फैमिली ड्रामा और खासकर बा और राखी दवे की तीखी नोकझोंक लोगों को काफी पसंद आ रही है। तो दोस्तों ये थे इस वीक के टॉप 5 शोज। इनमें से कौन सा शो आपका फेवरेट है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए चार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।